स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मेक एजुकेशन ईजी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर ली थी और मैंने आपसे ग्राफ भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम दोबारा से इस ग्राफ को डिस्कस नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमने एरिया फाइंड किया था, टोटल एरिया जो था हमने ओ ए बी और डी का, इस पूरे का हमने फाइंड कर लिया था। यानी हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल का अलग अलग फाइंड करने के बाद इस पूरे का हमने एरिया जो था वो फाइंड कर लिया था। अब आज हम इसी के थ्रू जो है आगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके चलते हैं। तो हमारा क्या था, टोटल एरिया हमारे पास जो कि ओ ए बी डी है, ये फुल मैं आपको एक बार लेटर से बता देती हूँ। इस डायग्राम में अगर आपको समझना है, ये वाली जो पूरी चीज हमारी डायग्राम में बन रही है, यहाँ पे है ए ओ बी एंड डी, ये पूरा एरिया जो हमारी डायग्राम में बन रहा है उसको आगे से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस एरिया को हम कह रहे हैं ओ ए बी डी, और ये हमारे पास एस के इक्वल है डिस्टेंस, क्योंकि हमने पिछली इक्वेशन में डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये है ओ ए प्लस बी डी, ये वाली चीज ओ ए है, ये बी डी है, इन दोनों को ऐड करना ओ ए प्लस बी डी और डिवाइड बाय टू। टू से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल भी आ रही है और रेक्टेंगल भी आ रही है, दो चीजों के थ्रू हमने इसका एरिया फाइंड किया, तो हमने डिवाइड बाय टू किया। और मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, ओ डी, जो ओ डी में हमारे पास टाइम गिवन है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी से। ठीक है, अब ये टू इधर चला जाएगा तो हम लिख देंगे टू एस इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ओ डी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, हम बी सी और ओ डी से इसको डिवाइड करेंगे, यानी बी सी डिवाइड बाय ओ डी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मीन ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी डिवाइड बाय ओ डी। ठीक है, यानी हमने दोनों साइड्स को हमने बी सी और ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी सी और ओ डी की डिवीजन इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। और अब ये हमारे पास बी सी और ओ डी जो है ये हमारे पास इक्वल है एक्सेलरेशन के। आप देख सकते हैं कि बी सी में हमारे पास एक्सेलरेशन ए बी से आ रही है, तो यहीं पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, और गेन एंड स्पीड भी हमने देखा था ए टी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास बी सी में एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली ओ डी में भी हमारे पास ये वाली लाइन अगर देखी जाए, ऊपर ये वाली लाइन देखी जाए, तो ओ बी और ए सी हमने कहा था सेम है, तो ए सी की वजह से जो कि ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने ओ डी को भी एक्सेलरेशन के, बी सी और ओ डी को हमने एक्सेलरेशन ए के इक्वल कर दिया। अब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, टू एस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी इक्वल्स टू, सिमिलरली लिखना है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी। अब अगर हम कटिंग करें तो ये ओ डी इस ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, हमारे पास टू एस मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई सिंपल बी सी। अब सिंपल हमने जो है इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है, यानी जो हमारे पास ए ए ओ ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज सो आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज, टू एस तो हमारे पास टू एस ही रहेगा, और बी सी डिवाइड बाई ओ डी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो बी सी और ओ डी की जगह हम ए लिख लेंगे। सिमिलरली आए ओ ए हमारे पास वी आई के इक्वल है, ठीक है, प्लस बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, बी डी हमारे पास वी एफ के इक्वल है। देखिए बी डी और ए सी, यानी ये ए है हमारे पास और ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, तो बी डी पूरा भी हमारे पास वी एफ के इक्वल है, तो प्लस हमने वी एफ कर दिया। और सिमिलरली बी सी को अगर हम देखा जाए, ये जो हमारे पास ये बी सी है, तो इस बी सी में हमारे पास वी एफ और वी आई दोनों आ जाएंगे, बट उनका माइनस होगा, वी एफ माइनस वी आई। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या हो गया, वी एफ का भी स्केयर आ गया और वी आई का भी स्केयर आ गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और टू ए एस सिंपल, बस ये अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो गई, टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये हमारे पास थी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी अब हम दोबारा से अगर मैं लिखूं, आपको लिख के बताऊं, तो फर्स्ट क्या थी हमारे पास, फर्स्ट थी हमारे पास वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यानी अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सेकंड थी हमारे पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तब।
और नेक्स्ट हमारे पास 2as इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये हमारे पास थाइट है। और इसको हम कब यूज़ कर देते हैं, चाहे हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तब भी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तब भी। तो ये हमारे पास मेनली तीन इंपॉर्टेंट जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने डिराइव की हैं और पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी से ही आप लोगों ने अगर प्रिपेयर कर ली तो आगे तक की हर न्यूमेरिकल्स में आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग आगे जाएंगे तो उसमें भी ये यूज होंगी। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको आप अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।